चलिए आगे बढ़ते रुक करें कुछ और खबरों का। मेरठ के दुधवा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की संयुक्त रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। गठबंधन के बाद दोनों नेताओं की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहली रैली है, जिसके बाद कयास यही लगाए जा रहे हैं कि ये रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अलग ही समीकरण पैदा करेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम लगभग 130 सीटों को प्रभावित करते हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, अखिलेश यादव और रालोद की जो इकट्ठा रैली है वो होने जा रही है, संयुक्त रैली मानी जा रही है और इसके अलग ही समीकरण बताए जा रहे हैं। कयास बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं कि कुछ ना कुछ जरूर इस रैली का जो इफेक्ट है वो पड़ने वाला है। तो मेरठ के दबदुआ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की संयुक्त रैली की तैयारियां जोरों पर हैं। 7 दिसंबर को मेरठ के दबदुए में होने वाली संयुक्त परिवर्तन रैली की तैयारियां जोरों पर है। दोनों दलों के नेता रैली स्थल पर जाकर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो मंच है ये लगभग अभी अधूरा है, लेकिन कल तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। इसी मंच से दोनों दलों के नेता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रालोद के जयंत चौधरी, इसी मंच से जनता को संबोधित करेंगे। एक और दूसरा मंच यहाँ बराबर में जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, उनके लिए बनाया गया है। और आप ये देख सकते हैं कि जो ग्राउंड है लगभग 20 बीघे का ग्राउंड बताया जा रहा है कि इसमें यहाँ के जो नेता हैं, लोकल जो कार्यकर्ता है, उनका यही कहना है कि जो ये मैदान है ये भी जनता को देखकर जितनी भीड़ इसमें आएगी वो भी कम रहने वाला है। आपको बता दें कि ये जो रैली है पश्चिम उत्तर प्रदेश में दोनों दलों की, ये जो गठबंधन के बाद पहली संयुक्त रैली है और इस रैली के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश के समीकरण बदलने वाले हैं। आपको बता दें कि ये जो पश्चिम का क्षेत्र है जाट मुस्लिम बहुबल है और किसानी खेती से ताल्लुक़ रखते हैं और कहीं ना कहीं जो कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस रैली के बाद कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में वो भी पूरी तरीके से असर डालेगा। अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी और लाखों आदमी इसमें पधारेगा और नौजवान, किसान, महिला, सब वर्ग के लोग बड़े उत्साह के साथ इस रैली में तैयारियां कर रहे हैं सब जिलों में। मैं भी 4-5 जिले होकर के आया हूं, तो इतना जोश खरोश लोगों में है जो कभी हमने चौधरी चरण सिंह के टाइम में देखा था, बीकेडी के टाइम में, उससे भी ज़्यादा जनून पहली बार मैं देख रहा हूं अपने लोगों में देहात में जी। तो अभी बहुत बड़ी रैली जो है तैयारी चल रही है और मीडिया में ये भी बात चल रही है कि अभी रैली की परमिशन नहीं हुई, इसके लेकर क्या कहना है आपका? किसान को किसी से परमिशन लेनी है, खेत हमारा, हम आके बैठे इसमें, इसकी कहे की परमिशन प्रशासन दे, अप्लाई कर चुके हैं, देगी दे देगी, नहीं देगी फिर भी आके बैठेंगे अपने खेत में, बिल्कुल। ये सरकारी ग्राउंड थोड़ा ही है फिर। तो इसमें कितने लोगों के आने की उम्मीद है? कहाँ ले जाएगी जनता को? कितने लोगों के आने की उम्मीद? 1 लाख से ज्यादा लोग आएंगे, लाखों आदमी आए। क्या नाम? मेरा नाम नीतीश यादव है। यहाँ लाखों के तादाद में भीड़ होगी, परिवर्तन रैली है ये, और इस रैली से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि अब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी का संदेश आ रहा है। और कुछ हमारे साथ में समाजवादी नेता मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? वर्षा सिंह प्रधान, खुर्जा विधानसभा 70। क्या तैयारियां आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और कितने लोग आने की उम्मीद यहाँ आप जता रहे हैं? यहाँ पे लाखों की भीड़ आएगी और इस रैली से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि दोनों युवा नेता परिवर्तन की तरफ और दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे। अच्छा, ये जो भीड़ आने की आप बात कर रहे हैं, क्या ये भीड़ वोट में भी तब्दील हो पाएगी? जी, वोट में भी तब्दील हो जा पाएगी। ये थे हमारे साथ में दोनों दलों के नेता। एक तरफ जहाँ हमने आपको राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मसूद की बात कराई, वहीं दूसरा समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हमारे साथ थे। अब देखना यही होगा कि जितने ये बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि लाखों की भीड़ आएगी, आखिर वह भीड़ वोट में भी तब्दील हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा।